नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल जैन यूट्यूब चैनल। मैं आपका होस्ट एवं दोस्त अशोक जैन। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वेबसाइट के उपयोग में HTML CSS के बाद जावास्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है। कई कारण से यह लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा हो गई है। अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को सीखना और समझना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें सारे कोड एक ही पेज में लिखे जाते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ लाइन के कोड से ही काम हो जाता है। सभी वेब ब्राउज़र पर चलती है। जावास्क्रिप्ट टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट पर इक्मा स्क्रिप्ट के साथ स्वतंत्र भाषा बन गई है। जावास्क्रिप्ट सर्वर पर और ब्राउज़र पर भी चलती है। जावास्क्रिप्ट में स्टैटिक वेब पेज बना सकते हैं और डायनामिक वेब पेज भी बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। यह ब्राउज़र पर V8 इंजन होता है, जो कि ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट इंजन होता है। इसका नाम V8 वर्जन 2008 से पड़ा। व्हाट इज स्क्रिप्टिंग? स्क्रिप्टिंग का मतलब हिंदी में लिखना होता है। स्क्रिप्टिंग को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कंप्यूटर में स्क्रिप्टिंग एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, जिसमें कई सारे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कोड लिखे होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जो रन टाइम पर इंटरप्रेटर होते हैं, मतलब कि एप्लीकेशन रन हो तब कोड रीड करके एग्जीक्यूट किया जाता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कनेक्ट करने के काम आती है। PHP, JSP, Python, JavaScript, VBScript, ASP, ये सभी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। व्हाट इज इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। इंटरप्रेटर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल कोड को ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट करता है। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट की हुई फाइल को कहीं पर भी स्टोर नहीं करता है। यह सोर्स फाइल को पढ़ता है और उसे ट्रांसलेट करता है और रन करता है। जब तक पहली लाइन रन नहीं हो जाती, तब तक इंटरप्रेटर कुछ नहीं करता है। इसलिए कंपाइलर की तुलना में इंटरप्रेटर को एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा समय लगता है। सोर्स कोड लिखो, इंटरप्रेटर के माध्यम से आउटपुट मिल जाता है। वास्तव में इंटरप्रेटर का काम एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने का होता है। इधर इंटर किया, उधर पीटर तैयार। आर यू गोइंग देयर? हाउ आर यू गोइंग देयर? मैं वहाँ प्लेन से जा रही हूँ। आई एम गोइंग देयर बाय प्लेन। जावास्क्रिप्ट दो प्रकार की होती है, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। दोनों में बहुत अंतर है। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को बोलते हैं, क्योंकि यह यूजर के वेब ब्राउजर पर रन होती है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक कोड प्रदान करती है जो सर्वर साइड प्रोसेसिंग की आवश्यकता के बिना क्लाइंट एवं ब्राउजर पर चल सकती है। इसे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर लिखते हैं। उसके बाद आता है सर्वर साइड। सर्वर साइड कोड के निर्माण के लिए प्रोग्रामिंग एक तकनीकी है जो सर्वर साइड पर सॉफ्टवेयर चला सकती है। सरल शब्दों में कोई भी स्क्रिप्टिंग या प्रोग्रामिंग जो वेब सर्वर पर चल सकती है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के रूप में जानी जाती है। जावास्क्रिप्ट का उपयोग HTML पेज में हेड टैग के नीचे और बॉडी टैग में भी उपयोग कर सकते हैं। इसे लिखने के लिए स्क्रिप्ट टैग की आवश्यकता पड़ती है हमें, स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग। एक्सटर्नल फाइल का यूज करना हो तो हमें .js में इसको सेव करना पड़ता है और लिंक करना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट में काम करती है। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी बना सकते हैं और बनी हुई लाइब्रेरी का उपयोग कर सकते हैं, जैसे jQuery, Angular। जावास्क्रिप्ट 2013 में 57% थी, लेकिन 2017 में 70% हो गई और 2020 में इसकी उपयोगिता बढ़ के 90% हो गई। व्हाट इज फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क एक टूल्स और सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए किया जाता है। जावास्क्रिप्ट के 2022 में करीब करीब 10 फ्रेमवर्क हैं। नंबर 1 एंगुलर, नोड जेएस, रेक्ट जेएस,
एम्बर जेस, मेटोर जेस, मिठरिल जेस, पोलीमेर जेस, व्यू डार्ट जेस और एडुरेला और बैकबोन। इस प्रकार इसके करीब करीब 10 फ्रेमवर्क हैं। जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री। जावास्क्रिप्ट को ब्रेंडन इचो ने 1995 में बनाया। पहले मोचा नाम दिया था इसका, बाद में लाइवस्क्रिप्ट कर दिया और पॉपुलर होने के बाद जावास्क्रिप्ट कर दिया। डेवलप इसको नेटस्केप 2 ने किया था। उसके बाद इक्माइस्क्रिप्ट 262 1997 में आई। इसको मोजिला फायरफॉक्स ने हैंडल किया। वेबसाइट दो प्रकार की होती है, स्टैटिक पेज और डायनामिक पेज। स्टैटिक पेज वेबसाइट के पेज को कहते हैं, जानकारी ब्राउजर पर पढ़ी जा सकती है पर बदल नहीं सकते हैं, न कुछ जोड़ सकते हैं। स्टैटिक पेज में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का उपयोग होता है। डायनामिक वेब पेज में फार्म वैलिडेशन, पॉपअप विंडो, ड्रॉप डाउन मीनू, इमेज स्लाइडर, एनिमेशन, ऑटो कम्प्लीट, ब्राउजर डिटेक्शन, कुकीज, यूजर के द्वारा ब्राउजर में जानकारी इन्फॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है, दूसरी बार उपयोग करने पर मिल जाती है। इसी इन्फॉर्मेशन को कुकीज कहते हैं।